अगर आप स्नैक्स खाने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर ऐसे स्नैक ढूंढते होंगे जो कि हेल्दी हो, साथ में टेस्टी भी हो और बनाने में टाइम बहुत कम लगे और ऑयल फ्री हो तो और भी अच्छा। तो बस आप यही बना लीजिए। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन, दिस इज़ मी स्वाति। तो बस आपको करना ये है कि यहाँ पे चावल लेने हैं। इन चावल को मैंने भिगो करके रख दिया है और उसी के साथ जीरा भिगो दिया और एक हरी मिर्च भी हम इसके साथ डाल देंगे। अब आपको लेना है पनीर और पनीर को ग्रेट कर लीजिए। अगर हो सके तो मलाई पनीर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, तो आप वो ले लीजिए। अब पनीर को ग्रेट करने के बाद ना हमको उसको थोड़ा सा स्मूथ करना है और उसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पर मैदा। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच मैदा यूज़ में ले रही हूँ। मैदा की क्वांटिटी कुछ ऐसे फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि जितना पनीर में मॉइस्चर होगा हमको उसके हिसाब से मैदा डालनी पड़ेगी। अब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे और ख़ास चीज़ ऐड करेंगे वो है इलायची। ये जो इलायची है ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इस स्नैक का नाम क्या दें वो तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया, वो तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हम इलायची का फ्लेवर देने से ना बहुत अच्छा लगता है। अब मैदा देखिए मैंने 1 चम्मच और डाल दी थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा मॉइस्चर है। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर के साथ में 3 से 4 चम्मच मैदा ली है। अब इसका हमको एक डो लगाना है, तो इस पनीर का डो लगाने के लिए थोड़ा हाथ से अगर आप इसको मैश कर लेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ सा डो बन जाता है और ये जितना स्मूथ होगा ना आपको बाद में खाने में उतना ही मज़ा आएगा। ये देखिए इसकी एक बॉल तोड़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम अच्छे से बन करके आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट डो लग चुका है। अगर आपको लगता है थोड़ा मॉइस्चर है इसके अंदर तो आप थोड़ा सा मैदा और मिला दीजिए। अब इसको मैं एक बटर पेपर के ऊपर ले लूँगी और इसको उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अगर आप चाहें इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना सकते हैं या फिर आप इसकी टिक्की जैसी शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा लंबे शेप में देना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको बटर पेपर के ऊपर रख करके और इसको कट कर लिया है। तो ये पनीर के ना रेक्टेंगल पीसेस निकल करके आ गए हैं। अब इस स्टेज पे हमको इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पालक के पत्ते लिए थे, यहाँ लगभग एक बंच मैंने पालक के पत्ते का लिया था, उनको अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। अब जो चावल हमने भिगो करके रखा था उस चावल और पालक के पत्तों को और उसके साथ में जीरा भी था और थोड़ी सी हरी मिर्च, इन सबको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको ब्लेंड करते टाइम पे आप पानी बहुत ही कम डालिएगा क्योंकि हमको काफी थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा सा और स्मूथ पेस्ट आ गया। अब इसके अंदर हम थोड़े से तिल मिलाएंगे और साथ में हल्का सा नमक मिला रही हूँ। हमने वैसे नमक जो है पनीर के अंदर ऑलरेडी मिला चुके थे तो आप ये नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा। अब हमको इसकी कंसिस्टेंसी बस इस तरह की रखनी है, इससे पतला आप मत करिएगा। अब जो हमने फ्रिज में बना करके पनीर के पीसेस रखे थे ना उनको निकाल लेते हैं। अब इन पीसेस को आप ये जो बैटर बनाया है इस बैटर के अंदर अच्छे तरीके से कोट कर दीजिए। अब अगर आप चाहें अगर इसको तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से बेटर होगा कि हम इसको बहुत हल्के तेल में बनाएं, ये उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको तवे के ऊपर मैंने हल्का सा तेल लगा करके उसके ऊपर रख दिया है। तो इसको रख देने के बाद ना इसको आप जब खाएंगे तो इसकी अपर लेयर जो होगी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा है तो वो इसको क्रिस्पी कर देगा और अंदर से पनीर जो है वो तो एकदम सॉफ्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लगेगा। यहाँ पर मैंने पालक को यूज़ में लेकर के बैटर बनाया है। अगर आपके पास पालक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल चावल और उसके साथ हरी मिर्च की जगह आप सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो चावल, जीरा और सूखी लाल मिर्च को आप ले लीजिए और उसका बैटर बना दीजिए, तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर बीट भी डाल सकते हैं तो बीट के कारण अपर लेयर जो होगी इसकी वो लाल हो जाएगी। अब इसके बाद में ये जो सिक करके गर्मा गर्म स्नैक आ गया है तो इसको हल्का सा मैंने मेयो इसके ऊपर लगा दिया है और मेयोनीज के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा गार्निश भी कर देते हैं, तो गार्निश करने के लिए मैंने चेरी टमेटोज और धनिया लिया है। आपको ये स्नैक कैसा लगा आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपने अगर इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज लेके आती रहती हूँ। वैसे तो इस झटपट बनने वाले स्नैक को बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर चावल आप 2-3 घंटे पहले भिगो दें तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।